भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है। आर्थिक राजधानी मुंबई शहर, इस मुंबई की रफ्तार उसकी सड़कें हैं। देश की सड़क निर्माण में नया इतिहास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा। ऐसे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मुंबई में 6,079 करोड़ रुपए की लागत से 397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। मुंबई में 2,050 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनमें से 990 किलोमीटर लंबी सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण अब तक हुआ है और 265 किलोमीटर लंबी सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण काम चल रहा है। लेकिन बची हुई 850 किलोमीटर सड़कें भारी यातायात, हर साल मूसलाधार बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड्ढों की समस्या से जूझती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है। विषय की गंभीरता को समझते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मुंबई में सड़क कॉन्क्रीटीकरण को अब रफ्तार दी गई है। बीएमसी द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़क कॉन्क्रीटीकरण का काम होने जा रहा है, जिससे सड़कें अच्छी बने और हमेशा गड्ढों से मुक्त रहें। बची हुई 450 किलोमीटर सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण भी आने वाले समय में जल्द से जल्द करने के निर्देश महाराष्ट्र की गतिशील सरकार ने दिए हैं। कॉन्क्रीट की नई सड़कें रफ्तार के साथ सुरक्षितता भी प्रदान करेंगी। उच्चतम गुणवत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी तथा यूटिलिटी डक्ट्स के कारण बार बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे सड़कों को लंबी आयु मिलेगी। ट्रैफिक को गति मिलने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचत बढ़ेगी। हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पानी संजोने वाले सोक पीट बनेंगे। पारदर्शिता से की गई बिडिंग, सर्वश्रेष्ठ कंपनियां, कुशल श्रम शक्ति, उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी, इन सब का मेल होकर मुंबई की सड़कों का कंक्रीटीकरण नया इतिहास रचने जा रहा है।